गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 23 का फर्स्ट। एक्स का मान निकालना है इसके लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसको वैसे ही रख देते हैं 1x1, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए तो कैसे करेंगे, तीनों रॉ में इस फर्स्ट कॉलम से करेंगे इंटू, और इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1+6+2x। दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा आपका 2+10+x। अच्छा, फिर हम लोग तीसरे रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ आएगा 15+6+2x, ठीक है। चलिए यहाँ पे है आपका 1x1। अच्छा चलो ना, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 7+2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 12+x, यहाँ हो जाएगा 21+2x, और इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स है। अब इस फर्स्ट रॉ में फर्स्ट कॉलम से कर देंगे तो आएगा आपका 1 के साथ 7+2x को इंटू करेंगे तो 7+2x ही होगा, ठीक है, 7+2x। और x के साथ इससे करेंगे तो आ जाएगा 12x और प्लस में एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस 1 में इससे करेंगे तो यही आएगा 21+2x और इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो एक ये 1/1 ऑर्डर का है, इसलिए यहाँ भी एक 1/1 ऑर्डर का एक जीरो मैट्रिक्स ले लेंगे। चलो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा अंदर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में देखो 12 × 2 = 14 × 2 = 16 और कॉन्स्टेंट देख लो ये कितना है 21 और 7 = 28 बराबर में एक जीरो मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर का। चलो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 16x + 28 बराबर में जीरो, ये ना होगा। तो इसको हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x + 2x + 28 बराबर में जीरो। यहाँ कॉमन करो x को तो x + 14 बचेगा, और यहाँ 2 को कॉमन करो तो x + 14 बच जाएगा यहाँ पे। चलिए दोनों ब्रैकेट में सेम है तो x + 14 बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा x + 2 बराबर जीरो। यहाँ से 2x के मान आएंगे, एक माइनस का 14 आ जाएगा और एक माइनस का 2 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25।